विज्ञान ने तमाम तरह की हाइट्स अर्जित कर ली हैं, यानी साइंस ने चमत्कारों की दुनिया में नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। अब चर्चा है कि इंसानी शरीर में सूअरों का दिल धड़केगा, सूअर यानी पिग। अचानक हुई किसी दुर्घटना या लंबी बीमारी की वजह से शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो व्यक्ति के पास सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। पर क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाकर दूसरी ज़िंदगी मिलना इतना आसान है? अगर आप भी अब तक इससे मुश्किल समझते हैं तो आपको बता दें कि यह काम आसान हो गया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसकी वजह से अब पशुओं के अंगों को इंसान के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। सुनकर हैरानी जरूर हो सकती है, लेकिन यह खबर है 16 आने सच। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान आने वाला खर्च, सेफ्टी और डोनर की उपलब्धता के बारे में सोचकर ज़्यादातर लोग निराश हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति तो इस लिहाज से खर्च के बारे में सोचकर ही पीछे हट जाता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट बेहद कठिन प्रक्रिया होने के कारण गरीबों की ज़्यादातर जिंदगी खतरे में होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने के समय पीड़ित के परिवार को डोनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसे समय में अगर डोनर मिल भी जाए तो उसका खर्च इतना ज़्यादा होता है कि अब उसको वहन कर पाना एक आम परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल ढूंढा है, जिसके बाद प्रत्यारोपण करवाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पूरे विज्ञान जगत को अपने इस नए प्रयोग से हैरानी में डाल दिया। चिकित्सा को सरल बनाने और गंभीर बीमारियों का इलाज खोजने की दिशा में काम कर रहे इन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नया शोध किया है, जिसमें साइंस फॉर क्यूरियस डिस्कवर की खबर के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसमें जानवरों के अंगों को इंसानों के शरीर में लगा सकेंगे। यह शोध म्यूनिख में लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में किया गया है। शोध की माने तो इस इंसान के दिल को अब सूअर के दिल से बदला जा सकेगा। एक पशु के स्वस्थ दिल को दूसरी प्रजाति के शरीर में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान वेवोन प्रजाति के बंदर के दिल की जगह सूअर का दिल लगाकर देखा गया। शोधकर्ताओं ने यह प्रयोग 3 अलग अलग समूहों पर किया है। इस पूरे अध्ययन के दौरान 16 लंगूर शामिल थे। शोधकर्ताओं को आखिरी ग्रुप में ट्रांसप्लांट करते समय सफलता मिली। बताया जाता है कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह सफल रहा। सूअर का दिल लगने के बाद बेमोन 6 महीने से ज़्यादा समय तक जीवित रहा। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिक अब उम्मीद कर रहे हैं कि मनुष्य के दिल की जगह भी अगर सूअर का दिल लगा दिया जाए तो बड़ी आसानी से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकेगी। हालांकि इस तरह के शोध से पहले भी वैज्ञानिकों को सीमित सफलता मिल सकी है। इसके बाद माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में अभी और शोध किए जाने की आवश्यकता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में से भविष्य के इंसानों को भी नया जीवन मिल सकेगा, और इस प्रत्यारोपण को करने के लिए सबसे पहले सूअरों के जीन में बदलाव किया जाएगा ताकि दूसरी प्रजाति की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को दबाया जा सके। जर्मन हार्ट सेंटर बर्लिन के डॉक्टर क्रिस्टोफ नोशाला के अनुसार 2030 तक अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने के मामले में 80 लाख तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद जीन में बदलाव वाला यह सूअर का जो दिल है वो उनके काम आएगा और उनकी मदद करेगा।